बहुत खराब, जब योगी जी आए तो बहुत खराब हो गया, तब से बहुत खराब है। आपको जिस भी प्रकार की सेवैयाँ चाहिए इसी जगह पर जौनपुर में आना पड़ेगा। आप पर देखिए भाई, छोटे छोटे जो है तोता मैना, ये क्या चीज़ है अंकल जी? ये पराठा है। अच्छा, ये भाई पंचमेल वाला आइटम यहाँ पर है, कई प्रकार के छोटे छोटे चीज़ मिल रहे हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं इस समय हूँ जौनपुर सिटी के कोतवाली चौराहे के पास। तो आज मैं आया हूँ आपको कोतवाली चौराहे का नज़ारा दिखाने, लेकिन कोतवाली चौराहे का नज़ारा तो मैं आपको बाद में ही दिखाऊँगा, लेकिन आज मैं आपको नवाब यूसुफ रोड जो हमारे आगे है उस रोड पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसे कैसे मिलती हैं, सब कुछ आप इस ब्लॉग में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ये शहर का रोड है तो कुछ तो ट्रैफिक रहेगी। सो गाइस, तो आज मैं नवाब यूसुफ रोड पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसे कैसे मिलती हैं, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, वैसे आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की सभी शॉप और सभी शॉप पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसे कैसे मिल रही हैं। तो आप लोग तैयार होंगे वीडियो को देखने के लिए? वैसे वीडियो तो देख ही रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं, धन्यवाद भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सो गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय रमज़ान का दिन चल रहा है, तो रमज़ान में इस समय क्या क्या चीज़ें ख़रीदारी हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। और यहाँ पर एक अंकल जी हैं जो बैठे हुए हैं और इनके यहाँ छोटा सा एक स्टॉल है, तो इनके स्टॉल पर आइए, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो आइए अंकल जी से थोड़ी सी मुलाकात करते हैं। तो अंकल जी, आप क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं थोड़ा हमें बताएंगे? खजूर है जी, खजूर है, पावड़ी है, गुलाबजा है। मेरा नाम है, उठाकर एक एक चीज़ दिखा सकते हैं? देखिए क्या चीज़ें हैं। पावड़ी है और ये खजूर है, ये भी खजूर है। थोड़ा खड़े होकर सर प्राइस भी बता दीजिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमें। तो सब लोग जानना चाहते हैं कौन कौन सी प्राइस कैसे। खजूर है जी, हाँ ये रुबजा है। अच्छा, हाँ ये भी खजूर है। ये खजूर कितने का है? ये खजूर है 100 की। 100 रुपये? हाँ ये है 50 की। 50 की? हाँ ये 60 की है। हाँ ये 150 की है। अच्छा, 150 की खजूर है। तो भाई ये देखिए 150 खजूर है, थोड़ा सा ओपन करिए सर, तो ओपन कर सकते हैं ऊपर से उसको कवर को हटाइए। तो ये भाई देखिए पैकिंग वाला जो है आपका खजूर है, 150 रुपये का खजूर है। अच्छा, तो रमज़ान महीने में यही सब सामान यूज करते हैं ना, खजूर वगैरह खाते होंगे? हाँ। अच्छा, तो यही सब सामानों की बिक्री हो रही है और आगे भी ढेर सारी शॉप हैं जैसा कि आप हमारे सामने देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सभी सामानें मिल रही हैं। ये क्या चीज़ है अंकल जी? अच्छा, सेवई है। तो भाई देखिए सेवई है, हमें तो लगा कि काता है, लेकिन ये काता नहीं है, सेवई है, ये सफ़ेद वाली सेवई है। कैसे है अंकल जी? 100 रुपये में। तो 100 रुपये केजी की सेवई हो गई। और ये क्या चीज़ है अंकल जी? पराठा। थोड़ा सा इसको दिखा सकते हैं ओपन करके? अच्छा, आइए भाई दिखा दें आपको। यहाँ पर देखिए इसको क्या किया जाता है अंकल जी? पराठा है। इसको क्या करते हैं? पराठा बोलते हैं, पराठा दूध में भिगा के खाने वाला। अच्छा, दूध में भिगा के खाने वाला है। सो गाइस, तो इसको पराठा बोलते हैं, दूध में भिगो कर खाया जाता है। तो कुछ इस तरह से ए भी आइटम है यहाँ पर। और ए वाली सेवई कैसे है अंकल जी? 140 रुपये किलो। तो ए वाली जो सेवई है आपकी 140 रुपये के जी है। और यहाँ पर खजूर क्या भाव है? 120 रुपये किलो। तो इस रूट में आपको इसी सब चीज़ों की दुकानें देखने को मिलेंगी जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर लच्छेदार सेवैयाँ लगी हुई हैं और विभिन्न प्रकार की सेवैयाँ हैं सब, जैसा कि आप मतलब आपको जिस भी प्रकार की सेवैयाँ चाहिए इसी जगह पर जौनपुर में आना पड़ेगा। तो आइए अंकल जी से थोड़ा सा बात करते हैं, बताते हैं फिर। तो अंकल जी, कौन कौन सी सेवैयाँ कितने रेट के थोड़ा बता सकते हैं? ये वाली 160 की, 160 की, वो 140 की है। अच्छा, और आगे जो लगी है 100 की है, 90 की है। अच्छा, जो लाल वाली, इसका नाम क्या होगा? कुछ तो नाम होगा। ये फेनी। फेनी? अच्छा, और ये वाली? ये भी फेनी है। अच्छा, वो भी फेनी। हाँ, और आगे वो?
वो भी फेन ही है। वो भी फेन है। हाँ। तो मतलब ऐसे हम फेन ही से हुई। हाँ। अच्छा अच्छा, तो अभी दूध बाटी अभी तो बिक्री का क्या माहौल है? बहुत खराब, जब योगी जी आए तब तो बहुत खराब हो गया, तब से बहुत खराब है। अब वही मतलब जब ईद आएगी तो फिर थोड़ा बहुत बिक्री। हाँ। क्या बिक्री होगी क्या? हर आदमी तो पैसा ही नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, खरीदेगा क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ये भी बात है। तो इस समय भाई क्या है, सब परेशान है। हाँ। इसमें बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो इस वजह से और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह से भाई इस रूट में आपको सभी सामान की दुकानें देखने को मिल जाती हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा शाम का टाइम है और यहाँ पर आपको सभी सामान जो है किराना स्टोर से लेकर और जो भी खजूर वगैरह सेवई सब चीज़ों की सेवई, देखिए यहाँ पर लिखा गया बनारसी भूनी सेवई, तो यहाँ पर भाई बनारसी भूनी भी सेवई मिल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो अंकल जी बता रहे थे तो ये भी सेवई आप ले सकते हैं यहाँ से। और खजूर, मतलब अगर आपको खजूर और सेवई चाहिए तो आप इस गली में आइए, इस रूट पे आइए, यहाँ पर आपको ढेर सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। और इधर देख लीजिए आप लोग, और यहाँ पर देखिए भाई छोटे छोटे जो है तोता मैना और ढेर सारे जो है पिंजरे में कैद हुए हैं खरगोश वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइटम थोड़ा सा अलग हमें मिला है, तो आइए बात करते हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है। अंकल जी ये पराठा है। अच्छा ये पराठा ही है। अच्छा ये भी पराठा ही है भाई। तो ये सब जो है भिगो कर खाए जाते हैं, तो जिस तरह से शाम होता चला जाता है उस तरह से ख़रीदारी होती चली जाती है यहाँ पर। तो अभी तो फ़िलहाल जो है यहाँ का माहौल ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहती है इस रोड पर। और फिर आप लोग देख लीजिए पराठों और पराठा सेवई, मतलब खजूर, यही सब की दुकानें आपको इस इलाके में देखने में मिल जाएंगी नवाब यूसुफ रोड पर। और जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर नाश्ते की दुकान है, यहाँ पर नाश्ते में देखिए कुछ चीज़ें तैयार की जा रही हैं और कई आइटम है यार। तो वाह भाई, पंचमेल वाला आइटम यहाँ पर है, कई प्रकार के छोटे छोटे चीज़ मिल रहे हैं। और फिर इसी तरह से यहाँ पर बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आप लेकर खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। तो यही था हमारा यार नवाब यूसुफ रोड पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ढेर सारी शॉपों की दुकानें हैं और इस रूट में सभी शॉप, छोटी छोटी शॉप हैं लेकिन सभी शॉप जो है अच्छी चल रही हैं। और फिर हमारा रोड आगे की तरफ चला जाता है। तो यही था हमारा छोटा सा अपडेट कि नवाब यूसुफ रूट पे क्या क्या मिल रहा है और कैसे कैसे स्टॉल लगाए गए।